स्वीकार्यता की दृष्टि से नीतीश कुमार जी देश के चंद उन राजनेताओं में है जिनके साथ न लेफ्ट को काम करने में परेशानी है, न अति वामपंथी दलों को परेशानी है। राइटिस्ट हो, सेंटरिस्ट हो, सब तरह के दल उनके साथ काम करने के लिए तैयार है, जिसकी मिसाल बिहार ने ग्रैंड अलायंस के जरिए कायम की है। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, निसंदेह ये एक बड़ा फैसला है और ऐसे फैसले नीतीश कुमार जी समय आने पर लेंगे, उन्हें क्या करना है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अगर ये ऑफ़र किया है तो निसंदेह हम लोग आभारी हैं कि उन्होंने ऐसा ऑफ़र दिया। अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश जी आए वहाँ, उनकी जमानत जब्त हो जाए। अखिलेश यादव के पास कोई उम्मीदवार तो है नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था। क्या हश्र हुआ अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी का, वो गठबंधन टूट गया और बीजेपी 62 सीटों को जीतने में सफल हुई। तो फूलपुर से लड़े ना, अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि नीतीश जी आएँ और अजमा लें फूलपुर में, और उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी तो वह लौट कर जाएंगे एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जिसकी जमानत जब्त हो चुकी है। और छोड़िए फूलपुर, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़े नीतीश कुमार, मैं चुनौती देता हूँ कि वो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे अपनी। जो देखिए, निसंदेह नीतीश कुमार जी को राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला है। जिस तरह से 9 अगस्त के बाद पूरे देश की तस्वीर बदली है, जो विजय रथ था, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी हर तरह से, अपने इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जरिए उनके दलों के नेताओं को तोड़कर निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम हो रहा था, बिहार ने लगाम लगा दी है। ये तो कभी एक साथ आ ही नहीं सकती। यहाँ तो स्पर्धा मची हुई है कि कौन प्रधानमंत्री का योग्य उम्मीदवार हो सकता है। तो राहुल गांधी अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हैं, नीतीश कुमार अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हैं। केसीआर कहते हैं कि मैं पूरे देश के अंदर बिजली का बिल माफ़ कर दूंगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दूंगा। तो अपने राज्य में तो जीतने का ठिकाना नहीं है, और ये सब लोग प्रधानमंत्री के दावेदारी कर रहे हैं और रोज नई नई घोषणा कर रहे हैं।